सिडनी ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा और बिजी शहर, जहां हर इंसान एक बड़ा सपना लेकर आता है। इस सपनों के देश में हर चौथा इंसान किसी एक बाहर के देश से आकर और कई उम्मीदें लेकर यहां बसा हुआ है, और करीब 5 लाख हिंदुस्तानी अब इस देश को अपना घर कहते हैं, और उनमें से एक परिवार शंभू ठाकुर का है। ये आलीशान घर एक ऐसे इंसान का है जिससे दुनिया घबराती है। ये है शंभू ठाकुर, इस इलाके का सबसे बड़ा डॉन। कुछ सालों पहले एक कार हादसे में मारा गया। ये है माया देवी, शंभू ठाकुर की दबंग विधवा, और इनका हुक्म समझो पत्थर की लकीर। हाँ। बोल, अभी चाहिए, नहीं तो मार दो उसे। राजा भाई शंभू ठाकुर से छोटा, थोड़ा सन की, लेकिन दिमाग का बहुत तेज और दिलेर भी। शंभू ठाकुर के मरने के बाद सारा धंधा यही चला रहा है। तो उससे क्या होता है जब परिवार साथ में होता है? दीदी साहिबा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। हमारे धंधे में न वक्त है न दया। मुझे माफ कर दीजिए। मरते हुए को कभी रोकने का नहीं, मुझे दुश्मन करे रोकने का नहीं। मुझे माफ कर दीजिए। ये है वीर, मुझे माफ कर दीजिए। शंभू ठाकुर का सबसे छोटा भाई, यंग एंड शॉट टेम्पर्ड। हमारी गोली भी हमारी जबान की तरह दुश्मनों से सीधे बात करती। इनसे मिलिए जय, बीच वाले राजा भाई से छोटे, शेर और शायरी के दीवाने। एक और फैमिली मेंबर कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कैसे दिखेगी जब क्लब के भीड़ भाड़ में मगन है। ये है ठाकुर फैमिली की लाडली मिनी। Who are you? This is my house. ये मेरा बेड है। तुम यहाँ पे कैसे आई? मुझे क्या पता? कल रात को क्या? कल रात को तुमने क्या किया? क्या किया? मुझे किडनैप किया ना? किडनैप? और यहाँ लेके आए? Can you just please? तुम पागल तो नहीं हो गई ना? तुमने क्या किया मेरे साथ? तुम मेरे बेड पे कैसे आई? मुझे क्या पता? Okay, can you please stop crying now? What are you doing? क्या कर रही हो? Stay away. पागल तो नहीं हो? पापा, मुझे माफ कर दो। ये लो मेरा कार्ड। ये किस लिए? रख लो। अरे हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। ये मेरी जैकेट वापस करने के लिए। तुम्हारी
तुम्हारी बेकार सी जैकेट नहीं चाहिए मुझे। अपना भी नंबर दे दो। पेन। पेन भी मैं ही दूँ? ओके। कहाँ लिखोगी? Give me your hand. Reena. Who is she? I can explain. हाँ, अच्छा तभी तुम कल शाम को मुझे अर्जेंट काम के लिए छोड़ के जल्दी चले गए थे। नहीं, दो मिनट बात कर सकते हम? तो तुमने इस आइटम को घर जाते उठाया होगा? What are you saying? Sorry. She's Reena. She's my girlfriend. And she's the क्या नाम बताया तुम्हारा? Whatever. अरे Reena, Reena. The good news is, guys, कि investors को इस app का एक नाम already पसंद आ चुका है. Any guesses? Dost Finder. Wow, real nice. तेरा सजेशन था ना? अच्छा है. पता है इस app की सबसे खास बात क्या है? हम इस app को कहीं भी install कर सकते हैं. Android, iOS, watches. मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म पर. ये ऐप GPS से चलेगी या इंटरनेट से? GPS से, ताकि लोग इसे मोबाइल डाटा के बिना भी यूज कर सके. और क्या ये ऐप दूसरी ऐप्स की तरह फ्री है? Yes, it is free. हम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचना चाहते हैं कैलाश. You know how it is. और इसका रेवेन्यू मॉडल क्या है? सिंपल, एडवर्टाइजिंग. एंड हाउ सिक्योर इज दिस? वेरी सिक्योर नीला. हमने इस ऐप को अपने स्पेशल एल्गोरिदम से डिजाइन किया है. यू नो व्हाट? वी आर मीटिंग द हाईएस्ट वर्ल्ड स्टैंडर्ड गाइस. दैट्स समथिंग टू सेलिब्रेट, इजंट इट? लेट्स गेट क्रैकिंग. और अपने अपने फोन पे ना ये ऐप इंस्टॉल कर दो ताकि मैं तुम लोगों को ट्रैक कर सकूं, स्पेशली यू एंड यू. बाय द वे, टीम लंच दिस आफ्टरनून ना, डोंट मिस इट. नील. यस. आपको भाई ने अंदर बुलाया है. व्हाट भाई? आप चलिए. चल गाइस, रोहन, कैन वी टॉक आउटसाइड प्लीज? ये क्या जबरदस्ती है? आप लोग मुझे ऐसे मार नहीं सकते. नील, नील, व्हाट द हेल, व्हाट्स दिस फॉर? अगर मैंने आप लोगों के साथ कुछ गलत किया है तो आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो. आई एम सॉरी. सॉरी? सॉरी किस लिए? मुझे नहीं पता. भूतनी के, तुझे नहीं मालूम तूने क्या किया? भैया आप बोलो तो मैं इसका काम यहीं कर दूं. किसी को पता भी नहीं चलेगा. फिर इंतजार किस लिए कर रहे हो? पकड़कर साजे का काम तमाम कर दो अभी का अभी. मेरा कसूर क्या है प्लीज? मैं बता रहा हूँ आप लोगों को गलतफहमी हुई है. गलतफहमी तो तेरी दूर हो जाएगी जब छह की छह डाल दूंगा तेरे अंदर. पैंट के लिए हो गई क्या? ध्यान से सुन, ये है हम सब की जान. मिनी हमारी भतीजी, हमारी लिटिल प्रिंसेस, जिसके साथ कल रात तूने अपना जलवा दिखाया. ओके, आई एक्चुअली डोंट नो दिस गर्ल. मैं लड़की को और हम दोनों एक बेड पे, बट आई डिडंट डू एनीथिंग. वो हमारी भतीजी मिनी है. कोई मिनी मार्केट नहीं, जब मुंह उठाया शॉपिंग की और निकल गए. बॉस, तूने बहुत गलत लड़की के साथ पंगा लिया है. तूने हमारी हैप्पी फैमिली में अनहैप्पी काम किया है. इसका हिसाब तो चुकता करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा. तुम बहुत लकी हो, मैंने अपने भाइयों को अकेला नहीं भेजा. Every action has equal and opposite reaction. Responsibility अपने इस action की तुमको लेनी पड़ेगी, right? क्या? क्या responsibility? क्या जिम्मेदारी? मैं कब से बोल रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया है.
प्लीज जस्ट ट्रस्ट मी सर, मैंने कुछ नहीं किया। सलाई इज्जत के साथ खेलता है और दिमाग का दही कर रहा है। काम डाउन। तू मिनी के बारे में क्या सोचता है? शादी के बाद कहाँ रहोगे तुम? कैसे जिम्मेवारी उठाओगे तुम हमारी प्रिंसेस की? बहुत प्यार से समझा लिया है तुझे। तेरे अंदर की गर्मी को निकालना हमें बहुत अच्छी तरह से आता है। चल बाहर की हवा खिलाते हैं तेरे को। राजा भैया क्यों ना एक गेम खेलें? आइडिया अच्छा है। चल पहला बड़ी है, तू बता। तुझे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या प्लीज मुझे माफ कर दो किया जाए। वोट चालू कर प्लीज। सारी टेढ़ी इंग्लिश एक ही MOU में डाल दी। सिंपल इंग्लिश नहीं आती, मुझसे पूछ लेता। साला अंग्रेज की औलाद। मेरे को दो। ठीक ही तो लिखा है। तुम दोनों की प्रॉब्लम क्या है? इट इज फाइन, थोड़ा पढ़ लिख लिए होते तो इतनी तकलीफ नहीं होती। स्कूल में करते क्या थे तुम दोनों? यही साली प्रॉब्लम है पढ़े लिखे लोगों के साथ। सारी की सारी अंग्रेजी एक ही पेपर में डाल के कंफ्यूज करते हैं। ओए अंग्रेज, मैं कोई ब्रेन सर्जन नहीं हूं जो इतना टेढ़ा लिखा समझू। इसको सिंपल इंग्लिश में लिख। इसमें लिख कि तू ये एक्सेप्ट करता है, एक महीने के अंदर मिनी के साथ शादी करेगा। शादी? और ज्यादा सवाल जवाब किया ना तो इधर ही ठोक देंगे, समझे? या समझाए? अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो? नो नो नो, आई एम नॉट प्रेग्नेंट। ए गाइस, जस्ट शट अप। ओके, क्या बोल रही है? पागल हो गई है क्या? यू ड्रीमिंग? बहुत बहुत बड़ा पंगा हो गया यार। छोड़ यार मिनी, चीयर अप। कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, ये सब कैसे हो गया? अरे कहीं मैं सचमुच में प्रेग्नेंट हो गई तो? भाग्य ले क्या? आई थिंक अब मुझे टेस्ट करना चाहिए। डूड, तू रैबिट नहीं है कि तूने कल किया और आज टेस्ट करेगी? टेक्स टाइम, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कोई चांस है। अरे लेकिन मुझे कुछ भी नहीं याद कि उस रात हुआ क्या था। भाई तो मैं बोल रही हूँ, देखो कुछ भी याद नहीं है। तूने मुझे बोला था ना कि फर्स्ट टाइम की सारी डिटेल्स तू मुझे बताएगी। साला तेरे को कुछ याद ही नहीं है। अच्छा वैसे लड़का क्यूट था क्या? शट अप प्रिया, अरे हमारी जान अटकी हुई है और तुझे ये टेंशन हो रही है कि लड़का क्यूट था कि नहीं। इट्स इंपॉर्टेंट हाँ,
बेबी अगर बाप पे गया तो? Stop it! तू जानती है ना मेरे अंकल्स को, उन्हें पता चला ना? और वैसे भी गैंगस्टर्स के खानदान में लव का कोई चांस नहीं है। एक तू गैंगस्टर नहीं है, हाँ, और तू प्यार कर सकती है। I wish. Seriously बता, तेरे को वो लड़का अच्छा लगा क्या? नहीं, I don't know यार. And I hope कि मैं उसे कभी भी ना मिलूं. सारे के सारे अंकल गुंडे हैं क्या? I'm sorry. Sorry? Thanks but no thanks. समझते क्या तुम्हारे तीनों के तीन चाचा हैं? अपने आप को हाँ? James Bond की औलाद है क्या? सबके सर साले मावाली? Neil, please just calm down. Calm down? थोड़ा धीरे बोलो। ओह हाँ, शायद तुम्हें ये सब दिख नहीं रहा। पता है कितने हफ्ते लग जाएगी इसे ठीक होते होते? Strange. शायद मेरे अंकल्स काफी थके होंगे। थके होंगे? वाह, ये तो नहीं सोचता मैंने। जिस दिन मुझे गुस्सा आ गया ना, तुम्हारी ये तीनों के तीन मस्किटों को मैं वाट लगा दूंगा। क्या करोगे? वाट लगा दूंगा। अच्छा, उन्हीं को बता दो। Here, उन्हीं को बता दो। What? क्या करो? बात करो ना। Seriously, मैंने। हाँ। You think that's funny? तो तुम मुझे ये बता रहे हो, एक लड़का और मिनी एक साथ एक बेड पर पूरी रात? दीदी साहब माफ कीजिए, पूरी रात? न जाने उन दोनों के बीच क्या क्या हुआ होगा। दीदी साहब प्लीज शांत रहिए, हमारा स्टाफ देख रहा है। कौन है वो लड़का? वो काफी पढ़ा लिखा है, अपनी यूनिवर्सिटी में टॉपर भी है, स्मार्ट है और आईटी इंजीनियर है। आईटी इंजीनियर? आजकल कंप्यूटर का जमाना है और नील हमारा सारा बिजनेस कंप्यूटर पर सेट कर देगा। हमारी फैमिली में भी कोई हाईली एजुकेटेड होगा? उसका दिमाग और हमारा बिजनेस। अब हम हर इलीगल काम लीगली करेंगे, हैं? सही है ना? पर ये तभी होगा जब नील मिनी के साथ शादी करेगा। वो बहुत स्मार्ट है, इतनी आसानी से नहीं मानेगा। हमारे खानदान की इज्जत और शान का सवाल है, मुझे उससे मिलना है। दीदी साहब ये आप हम पे छोड़ दीजिए, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है मिनी से शादी करने के अलावा। स्मार्ट है पर उतना ही डरपोक भी। मिनी से तो शादी उसको करनी पड़ेगी, चाहे उसकी हड्डी पसली ही क्यों ना तोड़नी पड़े। Believe me, I have no idea ये सब कैसे हुआ। मुझे नहीं पता वो मेरे बेड पे कैसे आए। You trust me, right? You know इस पे मेरी कोई गलती नहीं है। You just told me कि तुम दोनों। But you trust me or not? I do, Neil. I need you to understand me, okay? You know how much I care about you. I really love you. I really do. मुझे तुमसे शादी करनी। Neil, तुम्हें पता है कि पिछले दो साल से हम लोगों ने अपने रिलेशनशिप के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। मैं पहले कुछ बनना चाहती हूँ, एंड यू नो इट्स नॉट गुड फॉर माय करियर। मैं ये समझता हूँ, बट व्हाट अबाउट अस, रीना? आई एम टॉकिंग टू यू।
what, Neil? हमारा क्या होगा? हाँ? Come on. What about us? पहले ना तुम अपना ये गैंगस्टर वाला लफड़ा ठीक करो. जमाई साहब, मेरी आवाज इतनी जल्दी भूल गए? मैं राजा भाई बोल रहा हूँ. अंकल लीला, मेरी दीदी साहब से बात हो गई है. वो बहुत खुश है तुम्हारे बारे में सुनकर, और वो तुमसे मिलना चाहती है. अगर तुम नहीं आए तो ये तुम्हारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम आकर मिनी की माँ से मिलो और उनसे अपनी और मिनी की दादी की बात करो. जमाई साहब, तुम सुन रहे हो ना? शायद कनेक्शन खराब होगा. बहुत मजा आएगा, हमारे फैमिली मेंबर हो. क्या कहते हो जमाई साहब? जल्दी मिलते हैं. आई लव यू. क्या हम अकेले में जाके बात कर सकते हैं? मेरे पास टाइम नहीं है नहीं हो. जो कहना यही कहो. फिर हम यहीं पे बात करते हैं. मैंने बहुत सोचा है और मुझे लगता है कि हमें तुम्हारी मॉम से जाके बात करनी चाहिए. हमें उन्हें जाके कहना चाहिए कि हमारे बीच क्या, तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि उस रात के बाद मेरी क्या हालत हुई? नहीं ना, नहीं. मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि मैं तुमसे बात क्यों कर रही हूं. मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं. तुम्हें सचमुच लगता है कि मैं तुम्हें अपनी मॉम के पास लेके जाऊंगी, माया देवी के पास, उन्हें ये बताने कि हमने पूरी रात एक साथ गुजारी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकता हूँ, ठीक है, पर तुम बताओ, तुम्हारे पास कुछ और आइडिया है इस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए? नहीं ना, बोलो. देखो नील, बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से अभी चले जाओ. तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि तुम नहीं समझोगे. देखो, मैं तुमसे यहाँ पे बहस करने नहीं आया. मैं सिर्फ चाहता हूँ कि ये सब कुछ खत्म हो जाए. और सच कहूं, मैं नहीं चाहता कि तुम कुछ और कर बैठो. ये मेरे बारे में नहीं है नील, तुम क्यों नहीं समझते? ये मेरी फैमिली की इज्जत का सवाल है. And I feel terrible कि हमने ये सब किया. क्या किया? क्या किया मैंने? हमने कुछ भी नहीं किया है. We did nothing, nothing at all. और उसके ऊपर तुम्हारे अंकल्स कहते कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लू, कि मैंने तुम्हारे साथ अनबिलीवेबल यार. अनबिलीवेबल? ये अनबिलीवेबल है. तुम नहीं समझोगे नील, क्योंकि तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ा ना. तुम जाओ यहां से, प्लीज जस्ट गो. ठीक है, मैं यहां से जा रहा हूं. तुम सोचो तुम्हें क्या करना है. टेंशन मत ले यार, मेरे होते हुए किसी का बाप तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता.
और वो लड़की के बारे में बता कुछ, उसकी फैमिली के बारे में। क्या बताओ? नील, तू तो गया दोस्त। क्या हुआ? शंभू ठाकुर अंडरवर्ल्ड का बहुत बड़ा डॉन था। अंडरवर्ल्ड टेरर था, टेरर। तो अब माया देवी और उसके तीन देवर तुझे नहीं छोड़ेंगे दोस्त। क्या बोल रही है? मम्मी ठीक कहती थी, तेरी दोस्ती मरवाएगी एक दिन। नील, तेरे पास एक ही रास्ता है, या तो उस लड़की से शादी कर ले या फिर सुसाइड कर ले। शादी कर ले? तू पागल तो नहीं हो गया? और कोई ऑप्शन नहीं है तेरे पास? शादी ऐसे नहीं होती। कैलाश, कुछ और सोच। Hey, तुम यहाँ? हाँ, वो तुम्हारी जैकेट रिटर्न करनी थी। It's dry cleaned. Thanks. Wait, क्या मैं तुमसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? कॉफी? पानी है। बॉटल तो टैप? टैप ठीक है। थैंक यू। नाइस हाउस। थैंक्स। रीना की चॉइस है, माय गर्लफ्रेंड। 40 rules of love. ये तुम्हारी है? ये भी रीना की है। It's a nice read though. I'm sure. अच्छा सुनो, तुम्हारे जाने के बाद मैंने काफी सोचा, एंड आई थिंक तुम ठीक कह रहे थे, हमें मेरी मॉम से बात करनी चाहिए। अंदाजा नहीं है मुझे कितनी खुशी हो रही है सुनके। कितने दिनों से मैं परेशान पागलों की तरह घूम रहा हूं, बट अब थैंक यू। दैट्स ओके नील, आई मुझे चलना चाहिए। तो हम तुम्हारी मॉम से कब बात कर सकते हैं? व्हेनेवर, जब भी तुम फ्री हो बता देना। आई विल कॉल यू। हां ओके, थैंक यू। आई विल गेट द डोर। नीना क्या बताऊं, उसकी शादी की लेके मेरे को जरा चिंता होती है सच में। देख माया, चिंता करने से कुछ नहीं होगा, इतना जान ले कि लड़की से पहले उसका हस्बैंड पैदा हो जाता है। हाय तेरे मुंह में घी शक्कर। अच्छा चल एक बात बता, तेरा कैसे आना हुआ आज? वो लड़की का जो फ्लैट लिया था ना, मैंने अपनी बेटी का जो फ्लैट लिया था उसके बारे में जानना चाहती थी। अच्छा वो फिनिक्स की जमीन खाली करवा दी है? उसकी टेंशन मत लीजिए भैया, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। खुशखबरी है कि शॉपिंग सेंटर रेडी हो गया। वैसे एक बार बता, ये फ्लैट में फिर रहेगा कौन? बेटी रहेगी और उसके बच्चे रहेगा और उसके हस्बैंड रहेगा। अच्छा वीर एक बार बताओ, इनके फ्लैट का क्या हुआ? जी मोर एंड लेस सब कुछ रेडी है, एक महीने के अंदर आपको चाबी मिल जाएगी। ओह थैंक यू। चलो ठीक है, बेकार में तब परेशान हो रही थी हैं। और ये 2 माले रेडी होने में लगभग 20 दिन लगेंगे, और जब ये रेडी हो गए तो एवरीथिंग इज रेडी टू मूव। हाँ भाई, लड़के के बारे में और कोई खबर? जी दीदी साहब, सब कुछ पता चल गया है। जय। सबसे पहली बात, नील की पर्सनल लाइफ बिल्कुल क्लीन है, और उससे भी बड़ी बात, उसकी लाइफ में कोई लफड़ा नहीं है। सेल्फ मेड मैन। दीदी साहब वो सिंगल है, मतलब रेडी टू मिंगल है। नील जैसा एक अच्छा इंसान मिल जाए उसे, इससे ज्यादा बढ़कर मेरे लिए और कोई खुशी की बात नहीं। जी दीदी साहब आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा, ये मेरा वादा है आपसे।
शादी का मुहूर्त निकलवाओ। शादी? किसकी शादी? तुम्हारी, नील के साथ। मैम, आपने इसे पढ़ा? इसमें हमने साफ साफ लिखा है कि उस रात हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। आप हमें शादी के लिए फोर्स नहीं कर सकते। पूरी रात एक बेड पर तुमने मेरी बेटी के साथ गुजारी और तुम कहते हो तुम्हारे बीच कुछ नहीं हुआ? शादी मैं उससे करूंगा जिसे मैं प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करती हो। हाँ मॉम, हमारे पीछे सब कुछ भी नहीं है। हम दोनों तो एक दूसरे को जानते तक नहीं है, तो प्यार तो दूर की बात है। हम शादी कैसे कर ले? आए! क्या बकवास है ये? वो जो ऊपर वाला है वो जोड़ी बनाता है और उसने तुम्हारी जोड़ी बना दी है मिनी के साथ, और तुम ये बकवास कर रहे हो? वो मैं क्या? साफ साफ बोलो। दिन भर में कितनी लड़कियों से मिलता हूँ, कभी क्लब में, कभी बाजार में, तो क्या मैं सबसे शादी कर लूँ? मेरी बेटी कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है। ऐसा नहीं कहा, लेकिन अंधे हो, देखते नहीं कितनी खूबसूरत और स्मार्ट है बेटी। तुम किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करके चैन से कैसे जी सकते हो? और मैं तुम्हें चैन से जीना भी नहीं दूंगी। दीदी साहब प्लीज तुम कुछ खा लो। अनबिलीवेबल, तुम्हारी सारी की सारी फैमिली पागल है। देखो, अगर हमें यहां से बाहर निकलना है ना, तो चुपचाप खाना खाओ और खुश होने का नाटक करो। रिलैक्स। हाउ कैन आई रिलैक्स? So sweet. कितने अच्छे लग रहे हैं दोनों, है ना? Made for each other. सुना है कंप्यूटर में बहुत दिमाग चलता है और ऑफिस में भी पूरी ठाक है। Yes. नील, ये मेरी वाइफ सीमा। Oh, by the way, सीमा भी तुम्हारी तरफ की है। हेलो आंटी, नाइस मीटिंग यू। डार्लिंग, आंटी मत बोलो, जस्ट कॉल मी सीमा। मुझे नहीं पता था मिली इतनी तेज है, इतना हैंडसम लड़का मुझसे छुपा के रखा और हमें पता भी नहीं चला। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मिनी पूरी रात एक स्ट्रेंजर के साथ बिताई है। हाउ रोमांटिक। कैसा था? सीमा, एम्बैरेस मत करो, जस्ट स्टे आउट ऑफ इट। अच्छा, डिश में क्या है? अरे जरा हमें भी दे दो। आपको दिख नहीं रहा अंगूर है? भैया
तो फुल टेंशन में आ गए और भी फुल चार्ज में। लिसन एवरीबॉडी, एक्सक्यूज अस, अरे थोड़ा टाइम हम बॉयज को भी दे दो। हमने नील के लिए कुछ प्लान किया है। जमाई साहब, ये वो जगह है जहाँ हर कोई नहीं आ पाता सिवाय कुछ खास लोगों के, जैसे कि आप। अब आप फैमिली हो। वेलकम टू फैमिली। कम। इतने परेशान क्यों लग रहे हो जमाई साहब? यहाँ आकर तो लोगों की किस्मत बदल जाती है, तुम्हारी तो पहले ही निकल पड़ी है। मिनी जो मिल गई है। चीयर्स। वीर भाई, वो कांचा जी ना, मिस्टर ली, उसका अपना क्लियर है? हाँ, क्लियर है। आज भाई साहब बहुत लकी हो आप तो, आते पुराने साहब ये चिंता कर दिए। इसी खुशी में राजा भैया ने आपके लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट किया है। क्या रही हो? पक्की हो गई है। अरे जनाब, थोड़ी तो स्माइल कीजिए। शादी, शादी तो मैं करूंगा रीना के साथ। रीना, तुम दोनों गधे किसी काम के नहीं हो। एक काम दिया था, वो भी नहीं हुआ। क्या बोले थे? सिंगल, रेडी टू मिंगल। इडियट। फालतू फालतू के काम छोड़ो और ये पता लगाओ ये रीना कौन है। उड़ा दो। मंदबुद्धि, हर काम वार से नहीं, कुछ काम प्यार से भी होता है। रीना डार्लिंग, आ रहा हूँ। See you soon. Hey, बैठ सकती हूँ? Seriously Neil, तुम ये सब क्या कर रहे हो? हाँ, क्या जरूरत थी मेरे अंकल्स के साथ इतने मजे करने की? तुम्हें पता भी है मॉम इतनी खुश हो गई हैं कि उन्होंने तो पंडित जी को भी बुला लिया है। किसने? तुम्हारी और मेरी शादी की डेट फिक्स करने की। शादी? और क्या मजे किए मैंने? मजे तो तब आते हैं जब अपनी मर्जी से जाओ। तुम्हारे अंकल्स मुझे जबरदस्ती उठा के लेके गए दारू पिलाने। लिसन, मैं ये सब नहीं जानती। हमें इस समय इस मुसीबत से कैसे निकलना है उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। शादी इज नॉट अ सोल्यूशन। शादी तो हम उनसे करते जिसे हम प्यार करते हो यार। और एक बात बोलूं, तुम्हें भी शादी उसी से करनी चाहिए जिसे तुम प्यार करती हो।
I know that. Then? Listen. I'm sorry. मेरी वजह से my life में काफी परेशानी आ गई है. तुझे पता है रीना कितने गुस्से में? We have no idea. रीना की नाराजगी मैं समझ सकती हूँ. तुम चाहो तो मैं उससे बात करूँ. ना, तुम्हें बात करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. चलो छोड़ो. क्या पियोगी? चाय कॉफी? नहीं कुछ नहीं. फ्री है? नहीं, I'm fine. ऑफिस तो काफी अच्छा है वैसे. क्या करते हो? पढ़ा नहीं तुमने? सीनियर डेवलपर. अच्छा, क्या डेवलप करते हो? एप्स. एप्स? फोन है. क्यों? अरे लाओ. क्या कर रहे हो? ऐप के बारे में पूछ रही थी. एक मिनट. ये क्या है? यही तो वो ऐप है जो मैं डेवलप कर रहा हूँ. दोस्त फाइंडर. यू लाइक इट? इससे क्या होता है? इससे जो भी तुमसे कनेक्टेड हो वो तुम्हें ट्रैक कर सकता है. सो आई एम कनेक्टेड टू यू नाउ. इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत थी? अरे मेरे अंकल तो चिंटू मिंटू से लोगों को ऐसे ट्रैक करा लेते हैं. अच्छा, तो भेज दो उनको. यार भेज दूंगी. अब मेरी ये टेंशन दूर कर दो ना. मुझे कहीं दूर भेज दो इन गुंडों से. गुंडों से? अरे भाई, हमसे बड़ा गुंडा कौन आ गया इस शहर में? सब गुंडे तो हमसे पूछ के अपना धंधा चलाते हैं. पर वो शंभू. शंभू? अपना शंभू? बच्चा है अपना. साथ पीते थे हम. सबसे पहली शंभू की टिकट किसने बुक की? किसने? मैंने. फॉर्चून वर्ल्ड टूर ने. बोला सिमरन भाई गोवा जाना है. मैंने कहा भाई ऐसे नहीं, पहले पैसे फिर दूंगा टिकट. उसने पैसे दिए, टिकट बुक और वो गोवा. तुम? समीर. हाउ आर यू? गुड. सोचा नहीं था तुम यहाँ मिल जाओगे. आज भी कमाल हो. कमाल? सच में. शिट. सर क्या हुआ? किससे छुप रहे हो? इतना भी खतरनाक नहीं हूँ मैं. अरे नाम की बात नहीं कर रहा, यही तो वो गुंडा है जिसके बारे में आपको बात कर रहा था. ये वीर शंभू ठाकुर का भाई? आपके लिए ना शंभू ठाकुर तुम का बच्चा है. अरे भाई मैं इसकी बात नहीं कर रहा था, शंभू अग्रवाल की बात कर रहा था. टिकटें बेचते हैं उसे और आएगा क्या? शंभू ठाकुर जानता है कौन था? इस इलाके का सबसे बड़ा डॉन. नील भाई कहाँ बुरे फंस गए? ठाकुर की फैमिली से पंगा ले लिया. शंभू ठाकुर अंडरवर्ल्ड की एक मिसाल थी. उसको ना सुनने की तो आदत थी और उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता था. कहते थे उससे ज्यादा दिलेर और डेंजर तो कोई नहीं था. पिछली सफर तीला शार्प शूटर सभी को दो तीन को तो टपकाना मामूली बात थी. कोई उसे बच के भाग नहीं सकता. उसकी पकड़ इतनी मजबूत कि एक बार उसने ठान ली तो समझो उसका दी एंड. शंभू ठाकुर ठाकुरों का ठाकुर था और एक मिसाल थी. बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता है? उस तरफ से. वो रात ये मैं जानता हूँ या तुम जानती हो? अरे वीर भाई इतनी क्यों तकलीफ की? फोन कर देने था, बंदा हाजिर हो जाता. बताइए क्या लेंगे आप, ठंडा या गर्म?
हॉलिडे पैकेज बता, हनीमून वाले। इरादा क्या है? हाँ I'm sorry. तुम कहना क्या चाहती हो? Sorry my foot. तुम्हें क्या लगता है एक रात धोखे से नील के साथ सोकर तुम उसे ज्यादा धमका कर हासिल कर लोगी? हाँ That's a big mistake, okay? तुम जानती हो ना कि ये सब एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। अरे जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। Listen. I'm sorry. मेरा कोई इंटेंशन नहीं था तुम्हें हर्ट करने का। इंटेंशन था नहीं, इंटेंशन है। नहीं तो उस एक रात के लिए तुम नील को इतनी बड़ी सजा नहीं देती। What? सजा? अरे ये तुम क्या कह रही हो रीना? You know exactly what I'm talking about. अरे नील को तुमसे शादी नहीं करनी। तुम और तुम्हारी इस गुंडे फैमिली ने नील को इस तरह डराया। देखो फैमिली के बारे में कुछ मत कहो। तुम्हारा फैमिली का नाम 100 बार क्या 1000 बार लूंगी। क्रिमिनल्स हो तुम सबके सर। इनफ रीना, अब अगर एक लफ्ज मेरी फैमिली के बारे में और कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ आओगी जो मन चाहे वो कहोगी और मैं चुपचाप सुनती रहूंगी क्या? नाउ दैट्स अ बिग मिस्टेक, ओके? और हाँ, अभी तक तो ना मुझे तेरे इस नील में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बट नाउ नील और मेरी शादी तो होके रहेगी। हिम्मत है ना तो रोक के दिखा। मिनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रीना से इस तरह बात करने की? अच्छा, और रीना की इतनी हिम्मत कि वो मेरी फैमिली के बारे में कुछ भी कहे और मैं चुपचाप सुनती रहूं? ओह, तो सिर्फ तुम्हें और तुम्हारे फैमिली को हिम्मत है ना किसी से भी किस तरह बात करने की? हाँ। अरे मैं कुछ कहता नहीं, इसका ये मतलब नहीं तुम लोग कुछ भी करोगे। मार पीट धमकी इन सब चीजों के अलावा आप लोग कुछ आता है? Look at me when I'm talking to you, Mini. जिस दिन मेरा दिमाग नहीं चला, मैं तुम्हारी सारी गुंडागर्दी एक तरफ कर दूंगा। और वैसे तुम लोग बाहर किधर घूम रहे हो यार? आप लोगों को तो जेल में होना चाहिए। हाँ, मेरी फैमिली गुंडा फैमिली है नील। Exactly. वो मेरी फैमिली है। I don't care. भले ही दुनिया के लिए वो गुंडे हैं पर मेरे लिए नहीं। तुम कौन होते हो? कौन होते हो तुम उन्हें भला बुरा कहने वाले? हाँ क्या रो क्यों रही हो? क्योंकि तुम क्यों मेरी फैमिली के बारे में ऐसा बोलते हो? अरे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मिनी यार, मिंटू साला ऐसा प्यार मुझे कभी किसी ने नहीं किया, बड़ा टचिंग है यार। दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं साथ में। तुमने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि आगे इधर हुआ क्या था, एक बार भी नहीं किया। कोई इंटेंशन नहीं था तुम्हें हर्ट करने का। नहीं रीना, ओ हेलो
मैम? ये यहाँ की बहुत फेमस पर्सनालिटी है, इनकी नीज की शादी है और हमें इनके लिए कुछ कपड़े डिजाइन करने हैं। शो हाय भाभी, कैसे हो? बस ठीक हूँ, आप कैसे हो? इतने दिनों के बाद आए हो, चेहरे पे 12 के बजा रखे हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ। अच्छा, क्या खाएगा? मुझे भूख नहीं है। कुछ तो बोल। एक ग्लास पानी मिलेगा? चल आती हूँ। और सुना, कैसा है? क्या हुआ भैया? एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ले, पहले पानी भी ले। अगले लड्डू भी खा। थैंक यू। प्रॉब्लम? कुछ हफ्ते पहले एक्सीडेंट में एक लड़की से मिला। कौन है? कोई फिर उसे जानता नहीं हूं, लेकिन अब उसके तीनों के तीन चाचा लोग सबके सब गुंडे और अब मेरी जान के पीछे पड़े। क्यों? पता है उन्होंने क्या किया? मुझसे एक एमओयू साइन करवाया। किस लिए? वो चाहते हैं कि मैं उनकी भतीजी से शादी कर लूं। हट, बाप का राजा क्या? तू टेंशन मत ले, कुछ सोचो भैया। तो मैं तो सोचती थी तू रीना से शादी करना चाहता था, तो फिर ये गुंडों के घर की लड़की का क्या चक्कर है? अभी लंबी कहानी है। परेशान मत हो, क्या लगता मैं हैंडल नहीं कर सकता? इतना आसान नहीं है जितना आपको लगता है भैया। अरे यार टेंशन मत ले, मैं हूं ना, देखेंगे सालों को। भैया कुछ ऐसा सोचो कि वो सामने से शादी के लिए मना कर दे। जमाई साहब, दिल को ठंडक पहुंची। कैसे हो जमाई साहब? कमजोर दिखते हो। कोई बात नहीं, जमाई साहब ने बताया आप मिलना चाहते हो, हमने सोचा शुभ काम में देरी क्यों, आगे मिलने, और वैसे भी अब हम रिश्तेदार होने वाले हैं। नाइस मीटिंग यू, माई सेल्फ राजा भाई, और ये मेरे भाई जय और वीर। मजा आया। शादी के बारे में बात करनी है। ऐसे थोड़ी आता है कोई शादी की बात करने। भाभी कहीं दिखाई नहीं दे रही? वो बाहर गई है। आप लोग शादी की बात करने ऐसे जाते हो? शादी? ऐसा लगता है जैसे हफ्ता वसूली के लिए आए हैं। शादी के मामले में देरी अच्छी नहीं है। चलो भाई साहब, कुछ लेन देन की बातें हो जाए। लड़का हमें एक जोड़े में चाहिए, भगवान का दिया हमारे पास सब है। चलेगा भैया? क्या चलेगा, अब बात करो। बात करते रहो। शादी का पूरा खर्चा हमारी तरफ से। तो आप लोगों को कुछ और बात करनी है? शिव जी, मेरे शिव को बचा लो, मैं आपके लिए ना सोमवार के व्रत रखूंगी। तो चलो भैया, शादी का डेट और जगह फाइनल होते ही आपको बता दिया जाएगा। किधर? घर में? वो आपके घर के बाहर थोड़ी दूरी पे ही। और क्या? चलो भाई साहब चलते हैं, बहुत काम है। अच्छा जमाई साहब,
चलते हैं। टेक केयर। शादी का मौका, मुंह तो मीठा करेंगे। हम भी मुंह मीठा कर रहे हैं। ये क्या किया भैया आपने? शिव, शिव आपको शादी तोड़वानी थी, फिक्स नहीं करवानी थी। तूने देखा ना, मौत के मुंह से बच के आया हूं मैं। अपने भाई को मौत के मुंह में ढकेल के? नहीं, तू शादी कर ले, और कोई रास्ता नहीं। थैंक्स भैया। ग्रेट। यू चलना यार। अच्छा आजा वीर। राम राम भाभी, आपसे फिर बात करते हैं। चल नील। नील भैया मैं आता हूँ। अबे मरना है क्या? ओ शिट, ये तो नील है। ए नील, कैसा यार, इधर कैसे? पूछ मत। हे नील, और कैसे चल रहा है? चल हमारे साथ चल। अरे चलना यार। क्या जिंदगी है यार, भैया और भाभी भी उस गुंडों की तरफदारी करते हैं कि तू उस गुंडी से शादी कर ताकि हमारा पीछा छूटे ना। और मेरी लीला वो भी गई। ये गई गर्लफ्रेंड वो भी गई। ये गर्लफ्रेंड्स ऐसी होती है मेरे दोस्त, नो टाइम एंड घोसला चेंज। ये करेक्ट बोला तू। करेक्ट करेक्ट। ये करेक्ट करेक्ट बोला। यू आर राइट। ये बता, एक पहचाना रोहन। ए कौन है तू? बैठो। अरे ये बिल नहीं, दारू मांग रहा है, दारू ले गया। सॉरी सॉरी नील, सॉरी सॉरी। ए रोहन समझाना इसको। हां भाई, इधर आओ, मेरी बात सुनो। ए रोहन समझा। देखो अभी हमने पीना शुरू किया यार, बार तो क्लोज हो चुका है। तू ड्रिंक लेके आना मेरे भाई। दे गया यार। ड्रिंक डालना इसको। मैं क्या बोल रहा था तुम लोगों को? ए ए ए रोहन, सुन भाई, सुन मेरा भाई। ए रोहन, एक्सक्यूज मी सर। अबे यार सर, दिस इज योर बिल, प्लीज पे द बिल। अब तू कौन है रे? सैम द बार मैनेजर। ए मैनेजर, 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 मैनेजर सर। सर दिस इज योर बिल, प्लीज पे द बिल। थैंक यू सर। दाल इतना लंबा बिल, ये अपना बिल नहीं है रे। ला मैं देखता हूँ यार। देख मुझे देख। कौन देख? मैनेजर, 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 तू जानता है मैं कौन हूँ? सर ये आपका बिल है, ये आपके टेबल का बिल है। ये हमारा आप, बिल आप, है आप देख लें कैसे भी करना। ए तेरा तेरा बिल नहीं पे करता। ए यू ऑल ड्रिंक, you pay the bill. Security, get me his wallet. ये क्या गुंडागर्दी है रे? अरे अरे अरे, ये कौन सी कस्टमर सर्विस है यार? अरे मेरा वॉलेट। अरे यार क्या देख रहे हो इसमें? I'm sorry.
सर मैं वेरी सॉरी सर, गलती होगी सर। साले पहचाना मैं कौन हूँ सर? तेरी नौकरी खा जाऊंगा मैं। साले तुझे क्या लगता है सर, डर जाऊंगा? माफी मांगूंगा साले, इतना मारूंगा रात भर मार मार के, सुबह तक मारता ही रहूंगा। साला बिल तो क्या, कपड़े तो कुतरवा दूंगा। आ जाते हैं करे। पीछे जाना है, बैठ। हाँ भाई, हम लोग इधर द ग्रैंड मैरिन में पिले रहे और ये मैनेजर कब से बोल रहा है कि पेमेंट करो पेमेंट करो पेमेंट करो। आप जरा आके इसका पूरा पेमेंट करो ना। हाँ थैंक्स भाई। मैनेजर तेरा पूरा पेमेंट 15 मिनट में हो जाएगा। हाँ चल अभी काट दे। नहीं सर, पता थोड़ा यार कब आएगा। नहीं आप आ गए। ये देखो क्या हाल किया है। ये मैनेजर कह रहे हैं हमारा बिल है। इस मैनेजर और उसके स्टाफ ने मैं बहुत मारा, कब से कह रहा है पेमेंट कर दो पेमेंट कर दो। अब आप आ गए हो, इसका जरा पेमेंट कर दो ना। इतनी दारू पी ली जमाई साहब। तू मैनेजर है जी, मुझे पेमेंट चाहिए जी। वीर कर दे रहे पेमेंट इसकी। भाई साहब के पैर छू और माफी मांग। मैनेजर साहब, ए वेटर, मजा नहीं आ रहा यार, चलो अच्छे से बैलेंस हो जाओ। कैसी लगी हमारे दबंग भाइयों की मार? आंख नीचे, अब हुआ हिसाब बराबर। मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा चले। भाई किधर गए? मुन्ना उससे नजरे तो मिला है? ए मुन्ना तेरे जाने का वक्त आ गया है। रखी भाई फोन। हाँ बोल। बहुत नुकसान हो गया भाई। कौन साला माई खलाल था? शंभू ठाकुर के दो भाई जेआर वीर अपने गैंग के साथ आए थे, उन्होंने बहुत मारा मुझे, साहब को भी बहुत मारा, पूरा तोड़फोड़ कर दिया। फोन रख कमीने, क्या मेरे गधों की टोली पाल रखी है क्या? कैसे कैसे कोई हमारे इलाके में आके हम पे ढोस डाले? हाँ वो इलाका रॉकी भाई का है, रॉकी भाई वहां का बादशाह है। बादशाह क्या
जा। भाई। ए! तेरे को बोलने को बोला क्या? तेरे को बोलने को बोला क्या? चुप। एकदम चुप। शंभू ठाकुर, तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म कर चुका है। पूरे खानदान को। नील, हमारी रिलेशनशिप में लेटली काफी बम्प्स आ गए हैं और हम दोनों एक दूसरे से काफी दूर हो चुके हैं। काफी दिनों से तुम्हारे लाइफ में मेरे लिए जगह कम हो चुकी है और क्राउडेड भी। अब मुझे कोई और मिल गया है, सो आई एम लिविंग। साथ नहीं है क्योंकि वो मेरे लायक नहीं है। तुम तो जानते ही हो, जो लड़की एक बार मेरे साथ आ जाती है वो किसी के लायक नहीं रहती। By the way, meet my girlfriend, Simi. You carry on with your drinks. I'll catch you later. ठाकुर के भाइयों ने हमारे बार बने हमारी हिम्मत पे वार किया है। इसका हिसाब तो होगा, सूद के साथ होगा। ठाकुर की औरत ने मेरी बेइज्जती की थी, मेरी बेइज्जती। वो दिन मुझे अभी तक याद है। मैं उनके सामने बैठा था, वो बोलते गए बेइज्जती करते गए। मेरी बेटी की शादी तेरे साथ? जी, मैं मिनी का बहुत ख्याल रखूंगा, मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा। मेरे डैड ने मरने से पहले मुझसे एक वादा लिया था कि
इन्हें सब पुरानी दुश्मनी को भूल कर आपसे दोस्ती का नया हाथ पड़ा, और मैं वही करने के लिए आया हूँ। शंभू ठाकुर, नाम मत ले उनका अपनी गंदी जुबान से। शंभू ठाकुर की फैमिली का रिश्ता तुम्हारी फैमिली से, मेरा धंधा हासिल करने का ये घटिया तरीका निकाल दे अपने छोटे दिमाग से। आगाह कर रही हूं, ऐसा सपना देखने के पहले हजार बार सोच लेना, अभी उम्र बाकी है तुम्हारी। सर अभी चल करो, उनको बाद में देख लेंगे। लेकिन डैड ने मुझसे वादा किया था, डैड ने बोला था दोस्ती करने जा रहा है, कुछ मत करना। मैंने कुछ नहीं किया, बस उनकी बातें सुनता रहा सुनता रहा सुनता रहा, चुपचाप बैठा। पर अब नहीं, अब तो बिल्कुल नहीं। उनके कुत्तों के भौंकने का अभी मेरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, बिल्कुल नहीं। चुप तो कराना पड़ेगा, अब कमीनी औरत को तड़पना होगा। के लिए दी जाती है मेरी जान। पहले फैमिली पे हमला, फिर बिजनेस पे हमला, अब दर्द होगा, बहुत बड़ा पंगा होगा। अब तो आर या पार। वो बात नहीं, कम ऑन रिया, इट्स नॉट दैट यार, वो पता है इट्स रियली स्वीट, हम रात भर बातें करते रहते हैं, इट्स जस्ट सो नाइस टू टॉक टू यू। चल बाय बाय, हैव फन। या एक्सक्यूज मी मैम, ये हम लोग एक्चुअली ये रास्ता भूल गए हैं, क्या आप हमें ये रास्ता बता सकते हो? जी सो अच्छा तो आप सीधा ऐसा करो, प्लीज ड्राइवर को बता दो। ओके हाँ सुनिए, आपको सामने से व्हाट द हेल, व्हाट आर यू डूइंग, क्या छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, यू हर्टिंग मी, स्टॉप इट। ए राजा, अरे तेरे लिए गुड न्यूज है। अभी सुनाओ। या बाद में फोन करूं? शादी है। डायलॉग को तू अच्छा बोल लेता है। शादी तो नहीं, लेकिन मेरा ना आज हैप्पी वाला बर्थडे है। गिफ्ट देने के लिए नहीं आएगा क्या? तेरी भीख मांगने की आदत अभी तक नहीं गई। बोल मेरे पिल्ले, क्या चाटना चाहता है? अरे वाह राजा भाई वाह, आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। चाटना ही तो चाहते हैं, लेकिन चाटूंगा तो तुम्हारे सामने। आ जा मेरे ब्लैक टाउन वाले अड्डे पे, मेरा बर्थडे गिफ्ट लेके, क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। गिफ्ट तो ऐसा दूंगा कि तेरे खानदान में बर्थडे वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा। गाड़ी मोड़, ब्लैक टाउन ले। भाई किसको किडनैप किया? मिनी को रॉकी ने। मिनी को रॉकी ने? उस कुत्ते की इतनी हिम्मत, अपनी औकात से ऊंचा उठकर ठोक रहा है। साले की गर्दन मरोड़ दूंगा और उसका काम तमाम। वीर को फोन लगा। तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। आई लव योर आईज। ऐसी आंखें बहुत कम लोगों की होती हैं। जो तुम्हारी बज रहा है, बजने दो, आज दिल में कुछ बज रहा है, क्योंकि तुम बड़ी सॉफ्ट हो, ढोकले की तरह, माय फेवरेट। फिर से बज रहा है। जी भाई, फालतू के काम छोड़ और रॉकी के ब्लैकटन वाले अड्डे पे पहुंच। मिनी को किडनैप कर लिया उसने। क्या जमाई था, कोई रास्ते उठा ले, हम भी पहुंच रहे हैं।
बजने बजाने वाली गेम हम बाद में खेलेंगे, आज थोड़ा जल्दी में हूँ। What? तेरी इतनी हिम्मत रॉकी कि तूने मुझे किडनैप किया? भूल गया क्या मेरे अंकल्स को? तेरी ऐसी हालत करेंगे ना कि कहीं शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहेगा। खोलो इसे। पेरिस, तू कभी पेरिस गई है क्या? मैं सोच रहा था कि शादी के बाद हम पेरिस जाएंगे हनीमून के लिए, क्या ख्याल है? शादी हनीमून तेरे साथ? बस ऐसा कभी सपने में भी नहीं होगा रॉकी। अरे लेकिन पेरिस तो जाना चाहिए, इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन द वर्ल्ड। पता हम वहां पे जाके ना रिवर साइड पे सैर करेंगे, इतने अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, वहां पे जाके खाना खाएंगे, और आईफल टावर के एकदम टॉप पे जाके एकदम गले मिलकर हम ऐसे ऐसे सेल्फी खींचेंगे। शादी करने से अच्छा तो ये होगा कि मैं मर जाऊं। खोल इसे। तो बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत, और तू ये जानती है। अपनी खूबसूरती पे बहुत घमंड है ना, बहुत गुरूर है तेरे को। चल मैं तेरे को और खूबसूरत बनाता हूं। ये जब तेरे चेहरे पे पड़ेगा ना तो अपनी शादी की छोड़ तो किसी और से शादी करने के मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ मुझे। चाहती क्या तुम? मैं क्या चाहता हूँ? एक चुम्मा, चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा। तुम मेरी थी और तू मेरी हो। जितनी जल्दी तू ये समझेगी ना उतनी तकलीफ होगी तुझे, समझे? बैठ गाड़ी में। वीर भाई क्यों? गाड़ी में बैठ, जरूरी काम है। अभी अभी मुझे साइन करवाने जाना है। आता है क्या हूँ बाहर? अरे चलना। अबे आ तू भी आ, चलो। मैं कहाँ जा रही हूँ? मेरी किडनैप हो गई। क्या? हाँ, और हम सबको उसको मिलकर बचाना है। जमाई साहब, यही मौका आपके पास अपने सिलवा दिखाने का और अपनी बिन्नी को बचाने का। आओ आओ ठाकुर के कुत्तों, आपका इंतजार था। कुत्ते, तेरे लिए तो हमारे जमाई साहब ही काफी हैं। कहाँ है मिनी? परेशान परिंदा, आखिर अपने घोंसले में आई क्या? अपनी बुलबुल को ले जाने पता कैसे? कैसे? मैं आपसे तमीज से बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप साफ साफ बताओ कहाँ है मिनी। कहाँ है वो? उसी कुर्सी पे बैठे थे, उसका सर यहाँ, मैं उसके ऊपर।
गलती हो गई है तेरे से। तूने हमारी इज्जत पर हाथ डाला है। इज्जत इज्जत खेलते हैं। तेरी है तो बचा ले। अरे जय, इज्जत से याद आया, तेरी इज्जत का क्या? कहाँ है मैं? मोहम्मद ले। बहुत होगी मारपीट, छोड़ दू तो इधर मार। मरने से डर नहीं है, लेकिन अगर मैं मर गया तो कौन बताएगा तुझे कि मैं नहीं था? तेरे पास सिर्फ 10 सेकंड। अरे मेरे पास बहुत टाइम, लेकिन शायद तेरे पास इतना टाइम ना हो। क्या ढूंढ अपनी मिनी को। जाओ ढूंढो, मैं वही सवाल पूछता रहूंगा। मिनी कहाँ? मिनी कहाँ? कहाँ है मिनी? कहाँ है मिनी? वही तो मैं बोल रहा हूँ, कहाँ है मिनी? 3 मिनट है तुम्हारे पास, 3 मिनट के बाद मिनी खलास। मैं मरा तो मिनी मरी। 3 मिनट मिनी के वॉच में जीपीएस ट्रैकिंग है, ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? मैं मेरे ऐप से उसे ढूंढ सकता हूँ। जल्दी कर दी। ओके चल, इट्स स्टार्टेड, चल। जो भी हुआ अच्छा हुआ, पर वो साला बचकर निकल गया। कब तक बचेगा? एक न दिन तो हाथ में आ ही जाएगा। वैसे चाचा जी, हम यहां क्यों आए हैं? अच्छा पहले ये बताओ, तुम्हें ये फ्लैट कैसा लगा? फ्लैट तो काफी अच्छा है, लेकिन क्यों? कल तो जमाई साहब ने कमाल कर दिया, उनका बहुत बड़ा एहसान है हम पर। और इसी खुशी में हम जमाई साहब को हमारे इस बिल्डिंग का ये फ्लैट गिफ्ट कर रहे हैं। आज एक बात तो प्रूव हो गई, लड़का ठाकुर फैमिली के लिए फिट है। अच्छा बेटा ये बताओ, तुम्हें जमाई साहब कैसा लगता है? तुम हमसे खुल के बात कर सकती हो? मुझे नहीं पता क्या बोलूं मैं। मैंने तो सुना था कि प्यार दिल से होता है, ऐसे जबरदस्ती से नहीं। और वैसे भी नील और रीना एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं,
मिनी तू रीना की चिंता छोड़, क्योंकि तू ठीक बोलती है, हम नहीं चाहते कि तू कोई स्टेप बिना मर्जी ले। जब नील को मुझसे शादी ही नहीं करनी तो हम उससे जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना, उसकी भी मर्जी जरूरी है। आप लोग मेरी चिंता करना छोड़ दीजिए, जो होगा वो देखा जाएगा। मैं जानती हूं कि आप सब और मम क्या चाहते हैं, लेकिन इस तरह नहीं, ऐसे डरा धमका के तो बिल्कुल भी नहीं। और हाँ, नील आपका कोई जमाई वमाई नहीं है, तो प्लीज आप ये सब कहना बंद कीजिए। नहीं हुआ तो क्या हुआ, हो जाएगा। नील, I'm sorry। किसने? अरे मेरी वजह से तुम्हें कितनी तकलीफ हुई ना, मैंने तुम्हें कितना कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके बावजूद तुमने मेरी जान बचाई, वो भी रॉकी से लड़के। अगर मैं फ्रीजर पे टाइम नहीं आता तो पता नहीं क्या होता उस दिन। अब तुम आजाद हो, यू आर फ्री। सीरियस? हाँ। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अरे मेरे अंकल से प्रॉमिस किया है। तो आज रात का खाना मुझसे हजम ही नहीं होगा, और सच कहूं मुझे लगता है तुम्हारे अंकल का भी खाना हजम नहीं होगा। नील सीरियसली, मेरे अंकल्स ने प्रॉमिस किया है कि वो तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। यू आर फ्री। ओके, देखते हैं। तुम जो चाहे वो कर सकते हो। लेट्स सी। अब तो तुम रीना से शादी भी कर सकते हो। अब सब ठीक हो गया नील, सारी टेंशन खत्म। नाउ यू एंड रीना, क्या हुआ? कुछ नहीं, वो सब छोड़ो, अब तो पूरा चैप्टर क्लोज हो चुका है। इसका ये मतलब नहीं कि हम बात नहीं करेंगे। What do you mean? चैप्टर क्लोज हो चुका है? अरे like everything, तुम्हारे अंकल्स, जो भी कुछ चल रहा था मेरी जिंदगी में, अब हम दोनों फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब जब हम ये सब बातें कर ही रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ कि तुमसे कुछ पूछूं। क्या? काफी टाइम से मैं सोच रही थी कि तुमसे ये बात कहूं, पर क्या, मैं सोच रही थी कि क्या तुम मुझसे, क्या मैं तुमसे क्या? नील, यू नो, एनीवेज मॉम का फोन आ रहा है, मुझे जाना होगा। हम फिर मिलेंगे नील, बाय। जवाब तो सुनती जाती। नील, नेक्स्ट वीक मिस्टर शर्मा से मीटिंग फिक्स हो गई है, उनको हमारा सॉफ्टवेयर बहुत पसंद आया। नेक्स्ट वीक ट्यूसडे तो फ्री है ना? क्या बोल रहे? नेक्स्ट वीक ट्यूसडे तो फ्री है ना? हाँ, हमें मिस्टर शर्मा से मिलने जाना है। अच्छा सर, मैं निकलता हूँ। बट नील, चलिए जरूरी काम है।
तुम्हारी छुट्टियां कब से शुरू हो रही है? I think next week से. कुछ प्लान है? कहीं घूमने चलें? पूछ रही हो या बता रही हो? पूछ रही हूँ बाबा. कहाँ जाना है? हंटर वैली जा सकते हैं. It's nearby. Yeah, we can go there. मैं जरा वॉशरूम होके आती हूँ. You stay here, okay? I'll be back in 5. मैं भी चलूँ? तुम क्या करोगे वहाँ आके? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें? I knew you would be at your favorite place. So? क्या हुआ? इतनी उदास क्यों लग रही हो? रीना को नहीं लाया अपने साथ? She was so drunk. कितनी पी रखी थी उसने पता है? अगर मैंने उसे टैक्सी में डाला होता ना, ठीक से खड़ी भी होने पा रही थी वो. फोन कहाँ है? पता नहीं कहाँ गिर गया. सब जगह ढूंढा लेकिन मिल नहीं रहा. मैंने तुम्हें कितनी बार ट्राई किया? तुमने फोन किया था मुझे? हाँ. एंड क्या हुआ? कुछ नहीं. अच्छा वो सब छोड़ो, एक गेम खेले. आई होप यू नो हाउ टू प्ले. डोंट डाउट. बताओ कहाँ पे बैठूं, हाथी पे या घोड़े पे? तुमने कभी किसी गधे को घोड़े पे बैठे देखा है? अच्छा फनी. मनी, याद है तुमने मुझे उस दिन एक सवाल पूछा था? नहीं. कि क्या मैं तुमसे शिट रॉकी? अरे ये तो इधर पे. तो ये हमारे हाथों लगेंगे ही लगेंगे. कहाँ भाग के जा रहे हो? राजा भाई
से भागेगी तू? रॉकी। अरे 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 देख, लव स्टोरी हो रही है। मेरी हीरोइन इस चूजे के साथ। ओ देख 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 देख, हाथ किसे पकड़ा है? परेशान परिंदा दीवाना लगता है। शुक्रिया अदा नहीं करोगे हमारा? भाई उस रात हमने ही तुम दोनों को छोड़ा। देखो। क्या देखूं? अरे देखने के लिए तो आए हैं मेरा साहब। दिखाना चाहती हो? रॉकी। क्या दिखाओगी? दिखाओ। रॉकी। दिखाओ ना। रॉकी। रॉकी मैं जाने दो, देखो। हमें जाने दो। को जाना है? हाँ। You want to go? Let us leave please. मिनी जाना चाहती हूँ जा। रॉकी ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो उसे। रॉकी stop. इधर आ। छोड़ो मुझे। रॉकी। मालूम पड़ा? नील। तुझे मिनी से प्यार हो गया? शादी करेगा तू इससे? मेरी मिनी से शादी करेगा तू? नील। नील don't worry. तुझे इससे क्या लेना है रॉकी? नील। मुझे इससे क्या लेना है? लेना है मिनी को लेना है। नील don't worry. शादी छोड़ो। उसकी शादी उसकी और मेरी। रॉकी तुम ये बहुत गलत कर रहे हो। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अंजाम ए! तेरे बाप ने मेरे भाई और मेरी भाभी को मेरी आंखों के सामने मरा। कैसे मरा? फिर भी मैं तेरे घर गया अपने बाप के बोलने से। लेकिन तेरे घर वाले जरा सा प्यार नहीं, जरा सा रहम नहीं, जरा सी दया नहीं। तुम किसी प्यार के लायक नहीं हो। प्यार के लायक तो शायद नहीं हूँ, प्यार के लायक तो सिर्फ तेरे लिए हूँ जानेमन। रॉकी साथ मत लगा। मैं जाने दे रॉकी। क्यों जाने दो? रॉकी तेरा क्या बिगाड़ा है? नील डोंट वरी, तो छोड़ो मुझे। अरे यार रॉकी प्लीज। तू ये चाहती है कि मैं ऐसे ना मारू ना? तू यही चाहती है ना? प्लीज छोड़ दो उसको। तो मिनी मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर सकता हूँ, मैं इसको बिल्कुल नहीं मारूंगा। मैं नहीं मारूंगा। नहीं नहीं गन ले, गन ले, गन ले। रॉकी प्लीज छोड़ो उसे। गन ले रॉकी, वरना इधर ठोक दूंगा इसको। गन ले। हमारे आदमियों की एक गलती से हमें आज ये दिन देखना पड़ रहा है। सालों को बोला था तुझे क्लब से उठा के रॉकी के फ्लैट में डालने को, लेकिन कर्हो ने तुझे इस चूजे के फ्लैट में डाल दिया। और सारा प्लान चौपट कर दिया। चला इधर देखते। भाई ये दरवाजा तो खुला हुआ है। देख यही होगा। सब भाई एक कमरा भी है यहाँ। हाँ वकी बात कहा था बेडरूम में डालें। अच्छा तो ये सारा किया था तुम लोगों का है। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था किसी घटिया हरकत तुम ही लोग कर सकते हो। नील भी मेरी तरह उतना ही बेकस हुए जिंदगी में। छोड़ो मुझे। ट्रिगर दबा। ट्रिगर दबा। नील। रॉकी। रॉकी। नील। नील उठो नील। माया देवी। जो बेटा उठ बेटा। देखो ना नील को क्या हो गया। वो ठीक है। जमाई साहब जरा शक्ल तो दिखाओ। नील। Nice smile. Welcome to Thakur family. Jamai Raja, MOU ko pura karna abhi
बाकी है। दीदी साहब, मैं इतना खुश पहले कभी नहीं हुआ। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। आज अगर ठाकुर भैया जिंदा होते तो उनकी खुशी का अंदाजा ही कुछ और होता। हाँ भैया, हमारा प्लान बराबर निशाने पे लगा। एक और घर बस गया। लोग आ गए। बधाई हो भाभी। दुश्मन को कम मत समझो, दुश्मन भी करिंदा होता है। अब मेरे को क्या की टेंशन, परेशान तो परिंदा होता है। भाई आपके लिए सामान आया। आपके लिए डायपर्स। ये तो दे। हाँ बोल। क्या भेजता हूँ? जमाई साहब,